हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक मंथ से लेके एक ईयर के बेबी के लिए मोजे बनाएंगे उनसे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे मैं स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने इसमें 21 फंदे डाले हैं, 21 फंदे मैंने डाले हैं इसमें। अब देखिए इसको हम किस तरह से बनाएंगे। तो हम ये मान लो कि बिल्कुल शुरुआत से ही आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे, धागा इस तरफ ले आएंगे और तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। जब आप फंदे डालेंगे तो इसी तरह से बुनेंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, तीन फंदे सीधे बुनेंगे इस तरह से, फिर धागा आगे लाएंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, तीन फंदे सीधे, धागा पीछे लाएंगे, तीन फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, तीन फंदे सीधे, अब धागा आगे लाएंगे, तीन फंदे उल्टे। अब देखिए फ्रेंड्स, उल्टे तरफ से हम क्या करेंगे, जो मेरे ये सीधे फंदे दिख रहे हैं, देखिए ये जो चैन ऐसी दिख रही है, इनको हम सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह से हम सीधा बुन लेंगे, तीन फंदे हम ये जो मैंने उस तरफ से उल्टे बुने थे वो इस तरफ से सीधे बुने, धागा इस तरफ ले। अब देखिए ये उल्टे दिख रहे हैं तो इनको हम उल्टे बुनेंगे और तीन फंदे सीधे, फिर तीन फंदे उल्टे, इसी तरह से इसमें हम देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, दस रो हो गई हैं। और इसमें हम अभी दो रो और बनाएंगे, दो रो बना लेते हैं उसके बाद आगे आपको दिखाएंगे। ये है बॉर्डर जो हम बच्चों के लिए मोजा बनाएंगे उनसे, उनका ये बॉर्डर है। तो देखिए ये हम दो स्लाइस में और निकाल के आपको ये बॉर्डर कंप्लीट करके दिखाते हैं, आगे आपको दिखाएंगे कि इसको किस तरह से बनाना है। तो इसमें हम अब देखिए एक ये इस तरफ से और एक पलट के उस तरफ से बना ले, उसके बाद आगे आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बना के कंप्लीट कर लिया है, ये 12 सलाई का बॉर्डर हो चुका है। अब देखिए इसमें हम दूसरा कलर लगाएंगे। तो देखिए यहां से हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे, तो देखिए किस तरह से लगाएंगे, इस तरह से हम फंदे बुनेंगे। अब हमें ना कोई सीधा ना उल्टा, सारे फंदे हमें इस तरह से सीधे बुनने हैं। अब हमें ना तीन फंदे उल्टे बुनने हैं ना तीन सीधे, अब सारे हमें सीधे बुनने हैं, सब फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे इस तरह से। देखिए सब फंदे मैंने सीधे बुन लिए और इधर से देखिए ये सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, उसके बाद आगे दिखाएंगे। फ्रेंड्स, एक उल्टी और एक सीधी रो बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला फंदा उतार लेंगे और हम फंदे जो बुनेंगे, अब हमें आधे आधे फंदे करने हैं दोनों तरफ से। देखिए तो पहले हम फंदे बुनेंगे, दस दस फंदे करने हैं और जो बीच का मेरा एक फंदा है उसमें हम जाली बनाएंगे, दस इस तरफ कर लेंगे। देखिए दो चार छ आठ दस, दो चार छ आठ दस, ये जो बीच का फंदा है इसमें देखिए यहीं से धागा आगे लाएंगे ये, और इस तरह से हम जाली बना देंगे। अब देखिए फिर आगे लाएंगे और इस तरह से, अब देखिए यहाँ पे मेरी एक जाली बन के तैयार हो गई। अब ये सीधे सीधे फंदे हम बुन लेंगे, इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम सीधी रो ही बुनेंगे, अभी उल्टी नहीं बुननी हमें, है उल्टी तरफ से लेकिन हम सीधी रो बनाएंगे इसमें। हर बार जब हम जाली डालेंगे तो ये सीधी रो बनाएंगे। देखिए अब धागा पीछे लाएंगे, जो जाली के तीन फंदे हैं देखिए एक, और जो बीच का था वो
तो देखिए जो जाली का है इन तीनों को हम बुन लेंगे उल्टा और बाकी के हम फिर से सीधे फंदे बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इसको बनाया है और ऐसे मेरी एक जाली डल चुकी है यहाँ पे। तो अब हम फिर से सीधी रो बनाएंगे। इस रो में भी जाली डालेंगे, हम हर रो में हर सीधी रो में जाली डालेंगे। देखिए सीधी रो में जाली डालेंगे। तो देखिए हमें जाली कहाँ पे डालनी है। देखिए फिर से हम फंदे बनाएंगे। पहले मैंने 10 फंदे बनाए, 10 फंदे इस तरफ छोड़े थे, अब एक एक फंदा बढ़ गया है तो यहाँ पे 11 11 फंदे हो गए हैं। देखिए ये जाली का फंदा है, इसको हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ मैंने जाली डाली, अब यहीं से फिर हम धागा आगे लाएंगे और इसी फंदे पे जाली फिर से डालेंगे जिस पे मैंने पहले ही डाली थी। फिर से देखिए इस तरह से, और अब बाकी के फंदे हम सीधे बुन लेंगे। और जब उस तरफ से बनाएंगे तब भी हम ऐसे जैसे अभी हम बुन रहे हैं इसी तरह से बुनेंगे। हर बार इसी तरह से बुनते हुए हम 6 जाली इसमें बना लेंगे। और 6 जाली बनाने के बाद आगे आपको हम दिखाएंगे, इसको 6 जाली बना के कंप्लीट करते हैं पहले। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने 1 2 3 4 5 6 जाली इसमें बना ली है और एक मैंने ये सीधी रो निकाल ली है। अब देखिए फिर से हम ये सीधे तरफ से ही इसको बनाएंगे। इस रो को भी हम सीधा बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये बनके इतना तैयार हो गया है। और अब देखिए इसके हम फंदे बंद करेंगे। तो देखिए पहले 2 का 1 करेंगे, फिर ये वाला फंदा इसी पर लेके आएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर ये वाला फंदा इसी पर लेके फिर 2 का 1 कर देंगे। इसी तरह से हम पूरी सराई पूरे फंदों को बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये पूरी बन चुकी है। अब इसको हम सिलेंगे। तो देखिए किस तरह से सिलेंगे, इसको हम सीधे साइड से ऐसे पकड़ लेंगे और ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए ये इसका नीचे का हिस्सा है और ये इसकी एड़ी साइड है। देखिए यहाँ से बच्चों का पैर डालने के लिए है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका ये नीचे साइड सिल देंगे इसको। ये देखिए इस तरह से नीचे का हिस्सा सिल दिया, धागा यहीं से कट कर देंगे। अब देखिए अब हम यहां से और यहां तक सिलेंगे इसको। तो देखिए किस तरह से, ये देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से बन गया है और अब इसको हम सीधा करेंगे। देखिए तो ये देखिए इस तरह से बेबी बूटी तैयार हो गई है। देखिए इस तरह से बनी हुई है फ्रेंड्स। आप लोगों को ये जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।